कैसे खत्म होगी हमारी पृथ्वी? क्या इंसान ही करेगा उसका अंत? पृथ्वी का अंत भी दूसरे पिंडों की तरह निश्चित है, लेकिन उसका अंत जीवन के अंत के साथ नहीं होगा। चलिए पूरी बात करते हैं। पृथ्वी पर जीवन कैसे खत्म होगा या यहां पर मानव प्रजाति का अंत कैसे होगा, इस पर तो बहुत स्टडी की जा चुकी है, पर पृथ्वी का अंत कैसे होगा इस पर अधिक बातें नहीं होती। आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी के खत्म होने से काफी पहले जीवन खत्म हो चुका होगा, लेकिन आखिर पृथ्वी का भविष्य है क्या? ब्रह्मांड में हर वस्तु का अंत निश्चित है, चाहे वो तारे हो, गैलेक्सी हो, ब्लैक होल ही क्यों ना हो। ऐसे में ग्रहों का भी अंत निश्चित ही है, लेकिन इसका कभी जिक्र नहीं होता। ऐसे में एक सवाल यह पैदा होता है कि क्या पृथ्वी का भी अंत होगा, और होगा तो वह कैसे होगा? दुनिया में चर्चाएं पृथ्वी पर इंसान और जीवन के अंत की तो बहुत होती हैं, पर पृथ्वी के अंत की नहीं होती। कई वैज्ञानिकों ने स्टडी की है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इस बात की एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है कि तमाम तरों से पृथ्वी अपने आखिरी अंजामों तक कैसे पहुंच सकती है। पृथ्वी के अमूमन दो तरह के अंत का जिक्र देखने को मिलता है। एक तो सामान्य अंत, जैसा कि किसी ग्रह का हो सकता है। सामान्य रूप से या तो पृथ्वी सूर्य में जाकर समा जाएगी, या फिर सौरमंडल से बाहर निकलकर और बंजर चट्टान बनकर अनंत काल के लिए इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में भटकती रहेगी। वहीं असामान्य अंजाम में पृथ्वी इस सबसे पहले ही नष्ट हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं सौरमंडल से बाहर जाने वाली बंजर चट्टान की। एक वैज्ञानिक धारणा के अनुसार, जहां समय से के साथ सूर्य और अधिक गर्मी पृथ्वी पर फेंकेगा और वायुमंडल का हर एटम बाहर उड़ जाएगा, पृथ्वी की तरह या पृथ्वी की सतह पर गर्मी से सब कुछ राख हो जाएगा। इसके अगले 5 से 7 अरबों सालों में पृथ्वी का यही हाल हो सकता है, और यह सूर्य से दूर होती जाएगी, जबकि सूर्य तब तक बुध और शुक्र को निगल चुका होगा, और पृथ्वी पूरी तरीके से सूखी बंजर चट्टान बनकर अंतरिक्ष में भटकने लगेगी। एक दूसरी संभावना यह है कि पृथ्वी पर जीवन खत्म होने के बाद बंजर ग्रह के तौर पर वह भी सौरमंडल में ही रहेगी। इस दौरान कई बातें हो सकती हैं। एक संभावना तो यह है कि पृथ्वी से कोई पिंड टकराकर उसे खत्म कर देगा, या फिर उसे निगल जाएगा। क्या होगा यह काफी कुछ टकराव के प्रकार और टकराने वाले पिंड के आकार पर निर्भर करता है। अब अगर पृथ्वी से कोई पिंड टकराता है तो वह बहुत बड़ा पिंड होता है, तो इस विशाल टकराव से पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, और पृथ्वी का पूरा अस्तित्व ही छोटी बड़ी चट्टानों में बदल जाएगा, और ये टुकड़े सौरमंडल के हिस्सों में बिखर जाएंगे। वहीं अगर टकराने वाला पिंड कोई तारा हुआ तो वह पृथ्वी को निगल भी सकता है। जरूरी नहीं कि बाहर से आने वाला पिंड सीधे पृथ्वी से टकरा ही जाए, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि यह विशालकाय पिंड सौरमंडल के पास से गुजरेगा और अपने ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्व का ऐसा असर डालेगा जिसके प्रभाव में पृथ्वी सूर्य के प्रभाव से मुक्त होने लगेगी और उस पिंड की ओर जाने लगेगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह पिंड पृथ्वी को ही सौरमंडल से हमेशा के लिए बाहर कर देगा। अब एक संभावना यह भी बताई जाती है कि सूर्य के गर्म होने की प्रक्रिया जारी रहने से पृथ्वी तो तप कर जीवन विहीन हो ही जाएगी, और उसके बाद अगर वह सूर्य के असर से मुक्त नहीं हो सकी तो एक समय आएगा जब वह सूर्य के पास जाने लगेगी और उसी में समा जाएगी। इसके बाद विशाल सूर्य से टकराने पर पृथ्वी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा असामान्य अंजाम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के इस तरह से खत्म होने से काफी पहले भी किसी घटना से पृथ्वी का अंत हो सकता है। कोई विशाल एस्टेरॉयड या धूमकेतु पृथ्वी से टकराकर उसे खत्म कर सकता है, या फिर सुपरनोवा या गामा रेस, या फिर भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी को खत्म करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन इस बात की संभावना किसी ने भी नहीं जताई है कि इंसान किसी तरह से पृथ्वी को ही खत्म कर पाएगा। वास्तव में वैज्ञानिकों ने उन खगोलीय संभावनाओं का अध्ययन किया जब सूर्य पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म कर देगा। सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि एक समय आएगा जब सूर्य पृथ्वी पर इतनी गर्मी फेंकेगा कि इंसान और जीवन खत्म हो जाएंगे। परंतु एक रोचक अध्ययन में एक अनोखी संभावना की स्टडी की गई है। इन हालातों में अगर सौरमंडल के पास से कोई स्ट्रे स्टार यानी कि कोई तारा गुजर जाए तो वह पृथ्वी और उसके जीवन को कैसे बचा सकता है? पृथ्वी और यहां तक कि सूर्य भी हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक समय आएगा जब सूर्य खत्म हो जाएगा,
और उससे पहले वह पृथ्वी को अपने दायरे में नहीं रख पाएगा और पृथ्वी सौरमंडल से मुक्त हो जाएगी। उनका यह भी मानना है कि उससे भी काफी पहले एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य से और भी अधिक रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर पहुंचेगी और महासागर वाष्पीकृत यानी कि वेपोरेट होकर खत्म हो जाएंगे और इससे पृथ्वी पर इंसानों सहित जीवन का नामोनिशान मिट जाएगा। स्टडी में दिखाया गया है कि कैसे एक स्ट्रे स्टार, एक तारा इन हालातों से इंसानों को बचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह महाविनाश की स्थिति करीब 1 अरब साल के बाद पैदा होगी और पृथ्वी पर जीवन का यह अंजाम एक तरीके से अटल है और निश्चित है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया गया कि इस स्थिति से बचाव संभव है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने करीब 1200 सिमुलेशन किए और यह जानने का प्रयास किया कि क्या होगा जब स्ट्रे स्टार यानी कि एक तारा पृथ्वी से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसे कहते हैं जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है, के पास से गुजर जाए। इन सिमुलेशन में सबसे बड़ी बात तो पता चली कि यह है कि हमारा सौरमंडल बहुत ही शानदार तरीके से स्थिर है और 92% मामलों में इसके पास से ऐसा तारा गुजरने में भी वह स्थिर ही रहेगा। एक तारा जब दूसरे के पास से गुजरता है तो उसके ग्रहों की प्रक्रिया में उलझता ही है। फिर इस बात की संभावना है कि भले ही कम हो कि वह तारे हमारे ग्रह को नुकसान से बचाकर बाहर निकाल सकता है। स्टडी में रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने सिमुलेशन में 0.28% यह संभावना भी पाई कि तारा पृथ्वी को उसकी कक्षा से बाहर निकालकर एक टेम्परेट टेरेन यानी कि शीतोष्ण इलाके में ले जाएगा। ऐसा कई तरह से हो सकता है। कुछ सिमुलेशन में पृथ्वी सौरमंडल में ही रहेगी लेकिन फिर वह प्लूटो के आगे पहुंच जाएगी जिसकी कक्षा हमारी वर्तमान कक्षा से 10% ज्यादा ठंडी है। एक अन्य सिमुलेशन में पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में करीब 2 अरब प्रकाश वर्ष दूर ओर्ट क्लाउड में पहुंच जाएगी या फिर अंतरिक्ष में एक फ्री प्लैनेट की तरह, एक आवारा प्लैनेट की तरह विचरण करने लगेगी, घूमने लगेगी। यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सबसे बुरी स्थिति नहीं होगी। जमे हुए ग्रह को गर्म करने की तुलना में तपे हुए ग्रह को ठंडा करना ज्यादा मुश्किल काम है। यदि ग्रह में हाइड्रोजन के ठीक ठाक मोटे वायुमंडल हों, तो मुक्त तैरते हुए ग्रह भी इतनी हीट पकड़कर रख सकते हैं, उनमें तरल पानी सतह पर कायम रह सकता है। वहीं ऐसे भी कुछ स्थितियां दिखी जब तारे ने पास से गुजरते हुए पृथ्वी को पकड़ लिया हो, लेकिन ऐसे हालात में पृथ्वी खुद ब खुद नहीं बचेगी बल्कि वह चंद्रमा या शुक्र से टकरा जाएगी। इस बात की केवल 1% ही संभावना है कि कोई तारा अगले 1 अरब सालों में हमारे सौरमंडल के पास से गुजरे और सिमुलेशन दर्शाते हैं कि 350 में से एक संभावना यह है कि पृथ्वी एक रेजिडेंशियल स्कोप में फेंक दी जाए। इन सबको मिलाया जाए तो 35,000 में से एक संभावना यह बनती है कि एक पास से गुजरता तारा पृथ्वी को बचा लेगा। यह ताश की दो गड्डियों में से दो हुक्म के इक्के हासिल करने या फिर दो डाई से 10 अंक लाने जितना संभावित है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।